जहाँ अपने को कुछ मिलता है, कुछ तारीफ सुनने को मिलती है, कुछ भोगराज मिलता है, वहाँ आदमी नई नीची बात सीखने जाता है। देखो एक गंदी बात बताता हूँ, काम साफ जी में ऐसे लिखा है कि जिस स्त्री को तुम चाहो उसके बच्चे को प्यार करना चाहिए। जब बच्चे को प्यार करोगे, उसकी नीची नीची बात करोगे, उसको कुछ खिलाओगे, तो बच्चा तुम्हारे पास आने लगेगा। तब बच्चे की माँ को गोद में देना, बच्चा उसके देना, उसके शरीर को छूना, धीरे धीरे आँख मिलेगी और उसकी तुम्हारे वक्त में आ जाएगी। तो अपने सुखाने का जो धनी है वो खाद से निकलता है। ऐसा है कि दूसरा में भी देखो असंग क्या है, जाते हैं करते हैं, तो उसमें जो मुख्य स्वर की कल्पना होती है, नाचते हैं, तो अपना नाचना अपने को कितना बढ़िया लगता है। कैसे प्रमुख प्रमुख से पाँव रखते हैं, कैसे कमर हिलाते हैं, कैसे हस्तक देते हैं, कैसे हाथ में पाते हैं, तो अपने मनुष्य जो है वो दूसरे पर भी मोहित होता है। तो बात नहीं, अपनी चेष्टा पर भी वो सम्मोहित होता है। हमारी आवाज कितनी मीठी है, हमारा गाना कितना अच्छा है, हमारी सकल सूरत कितनी अच्छी है। जिस दिन राम बनवाता है, जिन ऐसे हाथ करके अपना स्पर्श करता है, और ये भी जैसे दूसरे के शरीर पर लुभा जाना है, वैसे अपनी आवाज पर, अपने ज्ञान पर। पुराने पांच बरस चार बरस पहले कोई बात हमसे सुनी गई और फिर वो आदमी आके हमसे सुनाता है हमको और कहता है कि हमारी बिल्कुल नई सूझ रहेगी, और वो भूल जाता है कि पहले का ये किसी का सुना हुआ है या संस्कार है, और वो हमको ही उसको सुना के मुक्त करना चाहता है। तो मनुष्य जो सम्मोहित होता है जादूगरी में, वो केवल दूसरों की होती हो ऐसा नहीं है, अपनी जादूगरी में ही, अपनी जादूगरी में भी सम्मोहित होता है। या सम्मोहित स्वयं, हाँ, यही देव की माया है। माया ईसा पश्च देवस्य जया सम्मोहित स्वयं, सम्मोहित। हमने देखा एक महात्मा को, उनका सिर जरा छोटा पड़ता था, ऊंचाई एकदम तलाश की, तो सवेरे उठ के कैंची से इधर के बाल काट लेते थे इधर से, और चंदन जो है वो इतना ऊपर तक लगाते थे कि लद्दाख उनका देखने में बहुत बड़ा लगे। दाढ़ी मूंछ की सफाई कितनी होती है, तो क्यों अपनी दाढ़ी मूंछ दूसरों को अच्छी लगे, हमको अच्छी लगे, हम बहुत अच्छे हैं। तो ये जो सम्मोहन है माया का, ये केवल पराया ही नहीं होता है, अपना भी होता है। अच्छा, और अपनी बुद्धि को कोई छोटी नहीं है। यदि अपनी बुद्धि को छोटी समझ ले तो बड़ों से सीखने का मौका मिलता है, और अपनी बुद्धि को सबसे बड़ी समझ लेगा तो समझने का कुछ नहीं मिलेगा। बहुत प्रीति पुजाई दे पर पूज दे पर छोड़, देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ का आत्मोरी, किसी किसी देव नाथन को। आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं,
जितनी जल्दी दूसरे का दोष दिख जाता है उतनी पहली नजर से जब अपना दोष दिखने लगे और उसको से छूटने की इच्छा हो, ये नहीं कि हम दोषी होंगे तो हे भगवान हम तो और पतित हैं और महापतित हो जाएंगे तो आपकी कृपा बहुत मिलेगी, ऐसे जो लोग सोचते हैं और महापतित होंगे तो भगवान, ये सब जो है माने पराधीनता असल में दूसरे की नहीं होती है, अपने मन की ही पराधीनता होती है और वही दूसरे को पसंद करता है और हम हटते तो अपने मन से हैं पर मानते ये हैं कि हम इसमें खाते हैं, असल में कोई दूसरे में नहीं खाते, अपने मन के चक्कर में ही ये सब प्रवर्तन थे, तुम्हारे दुश्मन कौन है, अभिजेंद्रिया है, अपनी इंद्र अपने इंद्रिय तुम्हारे दुश्मन, कान्यो मित्राण जितने का है, मित्र कौन है, अपने इंद्रिय और मन को बंद में रखे वो मित्र है और नहीं तो वे कहीं न कहीं ले जाके फंस जाएंगे। जिस साधन के मार्ग में जो अपनी पसंद है वो तो सुधार है, मौन व्याख्या ये है कि दुनिया में दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है उसके विधि निषेध के लिए बोलने की क्या है, मौन अभ्यास क्या प्रकटित है, अब अतने नहीं एक रो बात है, जब ये बात हो गई कि मैं बात देख सकती हूँ ना देख सकती न भी जानी मुझे सही कदम किया, चाहे कोई कुछ करे चाहे कोई जैसे रहे किसका पिता है किसके जज है किसके पत्रकार है, अपने आप ही दूसरे को अज्ञानी मान के उसको सिखाने जाते हैं, जैसे 5 बरस का बच्चा 3 बरस के बच्चे को सिखाता है ऐसे देखो ऐसे सब वैसे और बड़ा मजा आता है। प्रथम अधीना श्याम सर्वत प्रथम 100 बरस तक बोधे में सर्वत प्रथम अधीना श्याम सर्वत प्रथम, हमें किसी के सामने तीन नहीं होना पड़ा, दौड़ का है ये संध्या बंदा में पहले ये हुआ करता था, अब तो होता है कि नहीं हमको प्रभाव में संघर्ष प्रथम, पहले तो संध्या वंदन में होता था कि हम कभी दीन नहीं हो, दीन माने किसी के सामने दीन अपने को प्रकट न करे, असल में परमात्मा का हम शुभ करके परमात्मा का स्वरूप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, समझो कि कोई गल्ला जी का नौकर है और वो किसी दूसरे सेठ के पास जाके 5 रुपया मांगा तो उसने गल्ला जी का अपमान किया, तो भगवान का अंश होकर और दूसरे के पास कुछ मांगने सुख मांगने के लिए जाए, सहज सुख राशि जो प्रभु है उनका अंश दूसरे के सामने सीधे हे लड़की तुम हमको सुख दो, हे धन तुम हमको सुख दो, हे अखबार तुम हमारा नाम छाप के हमको सुखी करो, तो ये जो सहज सुख राशि
भगवान के लिए भी रामायण में साफ सुथराती है और जीव के लिए भी साफ सुथराती है। चेतन अमर साफ सुथराती है जीव के लिए है और राम भगवान के लिए भी साफ सुथराती है। तो राम का नौकर हो करके और रावण के पास 5 रुपया मांगने जाए, ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि हम राम जी से नहीं मांगते हैं, हनुमान जी से मांगते हैं, हम कृष्ण से नहीं मांगते हैं, बलराम से मांगते हैं। अरे मांगते तो तुम हो, हनुमान जी क्या हुए, बलराम जी क्या हुए, मांगते तो तुम हो गए, कामना तो तुम्हारे हृदय में रही। जो जो जाम जाम तनुम भक्तियां देना तो भगवान को ही पड़ता है। हाँ, एक पत्नी को साड़ी की जरूरत थी तो उसने कहा नौकरी पति का सेवा सेवा तो हम निष्काम भाव से करते हैं, अपने पति से हम सारी कैसे मांगे। तब से जाओ पड़ोसी से मांग लिया, अब वो पड़ोसी से मांगने चले। तो ये सब झूठी निष्कामता जो है ना, ये गांव के गंवारू लोगों में चलती है, इसका विद्वानों के साथ, समझदारों के साथ, भक्तों के साथ इसी से संसार में किसी के सामने दीन होने की आवश्यकता नहीं है। जग जातीय को जातीय तो जग जातीय जानती जान ही रहे, जय जातक जातकता जग जाए जो जारक जोर जहा नहीं रहे। महाराज आपके मुखार बंदर चाहिए ऐसा है जी, एक तो वस्तु इकट्ठी करके कोई सुखी होता है और एक प्रयास करके कोई साधन करके सुखी होता है। तो जैसे योगी है वो अभ्यास करके सुखी हुआ और परमात्मा है वो यज्ञ करके सुखी हुआ, भोगी है वो भोग करके सुखी हुआ, पर अपना आत्मा जो है वो कुछ करके सुखी होने के लिए नहीं है। सहज भाव से सुख रूप ही है। सहज सुख राशि का मतलब है कि वस्तु से, देश से, काल से, किसी के अनुग्रह से, किसी साधना से, किसी अभ्यास से वो सुखी नहीं है, वो तो सहज भाव से ही सुखी है। जो कुछ करके सुखी होते हैं उनका करना जब शिथिल हो जाएगा, जोर लगा के ठेला देखोगे जितना ऊपर जाए जितना जोर है फिर गिर पड़ेगा। जो लोग साधन अभ्यास करके सुख पैदा करते हैं उनका साधन अभ्यास रुक जाता है और ऐसे लोगों को भगवान विफल भी अगर करता है, क्योंकि उनको जो अपने साधन का जोर है, जो हम अपने साधन से ये प्राप्त करेंगे तोड़ देते हैं, बिल्कुल साधन तोड़ देते हैं। साधन कर देते हैं उसको भगवान स्वयं कर देते हैं। अच्छा तुम हमसे सुखी नहीं हो, इससे सुखी हो, हम तुमको सुख नहीं देते हैं, तुम्हारा पैसा तुमको सुख देता है। एक हरि बाबा जी एक कहानी सुनाया करते थे। एक भगत ने 12 बरस तक भक्ति की, जब पूजा पाठ किया कोई सिद्धि नहीं मिले, तो उसने कहा आप कौन इसके चक्कर में पड़े और कौन से घर चले। जब घर चलने को तैयार हुआ तो एक रास्ते में एक जवान आकर उसके साथ मिला और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई, हम अपने घर जा रहे हैं।
कि कहाँ घर है तुम्हारा, कहाँ है, तो हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो तुम्हारे साथ साथ चले। चलने लगे तो रात को एक घर में ठहरे। गृहस्थ था बहुत श्रद्धालु, उसने दोनों को खिलाया खिलाया खिलाया, सोने के बर्तन में भोजन कराया। तो जब सवेरे वहां से चलने लगे तो जो साथ लगा हुआ जवान था उसने एक सोने का बर्तन चुरा लिया। जब आगे गए तो मालूम पड़ा भरत को, भरत ने कहा कि तो तुमने बहुत गलत काम किया। उसने किया तो क्या किया, हमने किया, जैसे तुमको पाप थोड़ी लगेगा, पाप लगेगा तो हमको लगेगा। तो तुम्हारे साथ मत चलो, रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है, हम चलेंगे तो कौन रोकने वाले। अब महाराज चल के दूसरे गाँव गए रात को ठहरने के लिए। अब वहाँ पहले से हल्ला कि चोर आए हैं, डाकू आए हैं, उनको घर में कहीं कोई सहारे नहीं, कहीं जगह नहीं मिली। तो एक खलिहान में गए और वहाँ दाएं पर जाकर सोए। जब दूसरे दिन चलने लगे तो वो जो चोर था, सोने की कटोरा जिसने चलाया था, उसने वहीं खलिहान में तोड़ दिया और वहां से चल पड़ा। आगे गए तो एक घर में जाकर उसने कुछ और हत्या वत्या कर दी, गड़बड़ कर दी। अब उसने तो बहुत डांटा कि तुम हमारे साथ सुनना वो नहीं देखेंगे, तुम लड़ जाओ। उसने कहा हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कहने से चल। आगे गया तो एक नदी पार करने के लिए किसी ने रास्ता बताया। तो रास्ता बताने वाले जब चलने लगा नदी में तो जो जवान है उसके ऊपर चढ़ बैठा और वहीं पानी में डूब दिया। अब तो चिल्लाया बोले अब हम अभी डूब के मर जाएंगे, तो कहें तो तुम हमारा संग छोड़ो। तो वो जो जवान था वो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण होते प्रकट हो गए। ये क्या हुआ, ये क्या है महाराज, महाराज क्या है, ठीक किया तुमने 12 बार लड़ते थी, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए। तो सोने का कटोरा क्यों चुराया, बोले तो उसको ये बताना था कि कोई अनजान आदमी अपने घर में आए उनका स्वागत सत्कार करो तो उसका इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको खिला दो खिला दो खिला दो। फिर खलिहान ने सोने का बर्तन छोड़ क्यों दिया, क्योंकि उस गांव के लोग श्रद्धालु नहीं थे, साधुओं को अतिथियों को भोजन नहीं देते थे, घर में नहीं ठहराते थे। तो जिसके खलिहान में हम लोग ठहरे उसको सोने का बर्तन मिल गया, तो आपको गांव भर में ये हो गया कि बाबा कोई बाबा जी आता है तो सोने का बर्तन ले जाता है, मतलब सारे गांव के लोग श्रद्धालु हो जाएंगे। और उसके घर में जाके तुमने हत्या क्यों की, तो बोले कि ये दोनों पति पत्नी जब दोस्त थे तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और हमारी भक्ति में उनका दिन बीतता था। जब से ये बच्चा आ गया उनके घर में तब से उनका प्रेम हमसे न होकर इस बच्चे से हो गया। तो मैंने इस बच्चे को चुन लिया कि फिर से वो हमसे प्रेम करने लग जाए। बच्चा तो हमारा दिया हुआ था, हमने ले लिया और उसका प्रेम फिर पूर्ववत हमारे साथ हो जाए। रास्ता तो ये है, रास्ता बताने वाले को तो तुमने क्यों दुबाया, तो बोले कि देखो ये मंत्री का पुत्र था, इस राज्य का जो मंत्री है उसका बेटा था और मंत्री ने ये षड्यंत्र किया था कि आज राजा को राजकुमार को मार के और सारे राज्य पर हम कब्जा कर लें और अपने बेटे को यहाँ का महाराजा बना दें। तो इतने लोगों की हत्या रोकने के लिए हमने उसको पानी में डुबो दिया। अब तो उसने हाथ जोड़ा
भले भगवान जो कुछ करते हैं तो उसमें अच्छा ही अच्छा है, मंगल ही मंगल है। सदैव जदैव कुरुते सदैव मंगलाय। तो भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है। इसकी अनुकूल एक ऐसा कथावाचक चाहिए जो भगवान की ओर से जो आ रहे उसमें हमारा फायदा है, हमारा हित है। इसको सोच ले, समझ लाए, इसमें हमारी क्या चाहिए है। बुद्धि वही है जो भगवान की प्रत्येक क्रिया की अनुकूल व्याख्या कर लेती है, वही सच्ची बुद्धि है। और जो नया बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं उनसे तो नया तो कभी बनता नहीं। जितने मकान बने, मंदिर बने, राज्य बने, जितने दुनिया में उथल पुथल हुई, आज कहाँ है सिकंदर और कहाँ है औरंगजेब, आज कहाँ है राणा प्रताप और कहाँ है शिवाजी, आज कहाँ वे विद्वान है, कहाँ वे साधु हैं। किसी के रखे कुछ रहता तो नहीं और किसी के सजाए कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अब कने नहीं वो प्रो आकर जो हो रहा है तो होने दो। बोलने से भी क्या होता है, ना बोलने से भी क्या होता है। बोल के ही आज तक दुनिया में लोगों ने क्या बनाया है, दुनिया का कौन सा बाल बांटते। सुकुमार शास्त्री का मकान काफी है, बिक गया हो सब बिक गया। बड़े बड़े मंदिर गए है, जयपुर वालों का जो मंत्र जंतर वामान मंदिर था चौकट हो गया, दिल्ली का जंतर मंत्र चौकट हो गया, जब बना था जब कैसा बना। यहाँ ग्वालियर का मंदिर है, जोधपुर का मंदिर है, बीकानेर का मंदिर, जयपुर का मंदिर है, जब बना था जब कैसा था। मुंजत तो याद आते थे, ये दुनिया किसी के बनाए तो नहीं पड़े नहीं। इसलिए भगवान के साथ अपने को जोड़ के रखना यही सबसे अधिक मंगलमय है। मधुर प्रार्थना का रहस्य, प्रार्थना का रहस्य जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं उसके बारे में संकल्प और प्राप्ति की प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ की अर्थना, अर्थना माने चाहना। तो हे प्रभु हमें असत से छुड़ाओ, सत का अनुभव कराओ, असतो माँ सदगमय, समतो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार निकालो प्रकाश में ले चलो, मृत्योर माँ मृतंगमय, मुझे मृत्यु से छुड़ा के अमृत में स्थिर करो। तो जो हमारा स्वरूप है उसके निकट पहुँचने के लिए जो अपने मन में अभिप्सा है उसके लिए जो तीव्र उत्कंठा है, आकांक्षा है, उसी को प्रार्थना करते हैं। ये बोल के भी होती है, ये चित रह के भी होती है, ये अपना दोष निवेदन करके भी होती है, ये गुण चाह के भी होती है, ये भगवान की शरणागत होके भी होती है, और ये मुंह मौन होनी होए तो होए, मैं तो गिर कर आंख दिखानी होनी होए तो होए। अप्राप्त को जब तक चाहते हैं तब तक नित्य प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए प्रार्थना जो है वो साधना रखना है। किसी को राजा अच्छा लगता है, किसी को नेता अच्छा लगता है, किसी को पंडित अच्छा लगता है, ये सब अपने अपने मन की पसंद वासना वासना है। जिसको उत्कृष्ट चरित्र कहिए वो पंडिताई से प्रेम नहीं करता, जिसको पंडिताई चाहिए वो चरित्र नहीं देता है, जिसको भगवान से प्रेम है
उसको वेदांत की पुस्तक अच्छी नहीं रहेगी। जिसको वेदांत से प्रेम है उसको मैंने प्रेरणा करना तुम्हारे गांव में कोई सत्पुरुष है जो तुम्हारा विश्वास है। यह संतों निवास करते सतो भगवान वर्ष के तुम्हारे गांव में या तो कोई संत नहीं है या तो तुम संत की आज्ञा नहीं मानते हो। यह दैवम विपरीत आचार अर्जुता अपने मन के अनुसार चलना तो साधना के अधीन नहीं चलना।